मैं भाई आपका? मेरा नाम शेख अनीस है, मैं पंदाना का रहने वाला हूँ। कहाँ के? वार्ड क्रमांक 6 मुस्लिम मोहल्ला। हाँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड पंदाना। हाँ जी, क्या समस्या? हमारी समस्या है कि मोहल्ले में हो रहा है रोड का नवीनीकरण, सीसी रोड बन रहा है हमारे मोहल्ले में, वार्ड में। हाँ। तो मोहल्ले में जो अतिक्रमण किया गया है रोड पर, उसको हटाया जाए, उसके बाद ही सीसी रोड बनाया जाए। हमने रोड वालों का विरोध करा, उसमें पार्षद बोलता है कि तुम कोर्ट जाओ, ये मेरा काम नहीं है। हमारा पार्षद हाथ ऊंचे करता है कि मैं वार्ड का कुछ नहीं करूंगा, मेरे को रोड बनाना है, सिर्फ रोड बनाऊंगा। अच्छा। अतिक्रमण का वो हाथ ऊंचे करता है। अच्छा। कुछ नहीं करने मोहल्ले का मामला? वार्ड क्रमांक 6 डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड। अच्छा। मुस्लिम मोहल्ला। मुस्लिम मोहल्ला, जी ठीक है। बाजी आप कुछ बोलेंगे? क्या नाम हाँ, है आपका? मैं बोलूंगी। मेरा नाम फरीद है, हम भी वहीं से रहने वाले हैं। ये है ना, जो हमारे घर के सामने अवैध घर बना है, वो लोग आके हमको धमकाते हैं, चमकाते हैं, मारने की धमकी देते हैं। हमको इंसाफ चाहिए, आप सब हमारे हक में बोलिए। नगर परिषद वाले कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जा रहे हैं तो वो भी भगा दे रहा है, बोल रहा है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आज जन सुनवाई में काहे के लिए आए आप लोग? हम कलेक्टर महोदय से गुजारिश करने आए हैं कि हमारी आगे आवेदन जो दिया हुआ है उस पे कार्रवाई की जाए। वो जो कब्जा आप बता रहे हैं, वो कब्जे होने की वजह से वहाँ क्या समस्या हो रही है? वहाँ पे कभी घर में अंगार भी लग जाए तो यानी फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती, एम्बुलेंस भी, यहाँ तक के कचरा गाड़ी भी नहीं आ सकती है वहाँ पे। अच्छा। इसलिए निवेदन है आप सबसे कि हमारी आवेदन कलेक्टर साहब से आप ये निवेदन लेके आए। हाला आप कुछ बोलेंगे? क्या नाम है आपका? जी सुल्ताना नाम है। क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, निकलने में परेशानी होती है। अच्छा, तो आप इसके लिए कब से परेशान हो रहा है? आज 40 साल से। अच्छा, अभी तक वो समस्या का हल नहीं हुआ? जी नहीं हुआ। एक मिनट, क्या बोलेंगे भाई, क्या नाम है आप? मेरा नाम शेख इरशाद है। हाँ। ये मेरे दादा की जमीन है। हाँ। इस पे अवैध मकान बना हुआ है, हम अतिक्रमण हटवाना चाहते हैं। अच्छा। और हम सरकारी जमीन में हमारी खुद की 2-3 फीट जमीन देना चाहते हैं रोड बनाने के लिए। हाँ। ना तो वहाँ एम्बुलेंस आती है, ना तो कोई कचरा गाड़ी आती है। हाँ। कल को कोई खुदा न खास्ता आगे नहीं हो जाए, कुछ बड़ा हादसा हो जाए तो अंदर कुछ गाड़ी की सुविधा नहीं होगी वहाँ। अच्छा। इसलिए हम हमारी तरफ से भी जमीन देना चाहते हैं सरकारी, उसमें। अच्छा। तो हमारा यही निवेदन है। हाँ, हमारे दादा के नाम की। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि हम मोहल्ले का विकास हो, मोहल्ले में कोई परेशानी हो तो उसमें अंदर गाड़ी आ जाए, और उसके दस्तावेज कलेक्टर साहब को दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि आगे से आगे कार्रवाई की जाए।